रास्ते में यहाँ से जाते जाते देखो पहाड़ों में इस तरह से पानी निकलता है, नेचुरल सोर्स बोलते हैं इसको। और ये पानी ना नेचुरल फिल्टर हुआ पानी है, और इसको आप ना पी भी सकते हो। ये देखो सबसे शुद्ध पानी, आरओ का, कैंट का, जो भी आप पानी पीते हो ना वो तो मतलब इलेक्ट्रिक होता है। ये बिल्कुल शुद्ध पानी है, ये बिल्कुल पहाड़ों से देखो मिट्टी से छन के आ रहा है, बिल्कुल नेचुरल फिल्टर होके आ रहा है। ये सबसे अच्छा पानी ये है। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं, तो ऐसे नेचुरल सोर्स के आगे ना प्लीज़ ऐसे ये कचरा वचरा ना डालें। ये देखो लोग बोलते हैं ना बहते पानी में सामान डालो पूजा का, इस तरह से करते, तो लोग इस चीज़ को गंदा कर रहे हैं। देखो नेचुरल सोर्स को ऐसे गंदा करके रखा है। तो यहाँ पे पाँव पड़ रहा है, कुछ हो रहा है ना, ये चीज़ें हैं। अखंडित मूर्तियाँ आप यहाँ फेंक देते हो तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। देखिए यहाँ पे कितना कचरा डाल के रखा है नेचुरल सोर्स के आगे, तो ऐसा ना करें प्लीज़। सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है। ये देखिए ऊपर बांस लगा हुआ है कितना ज़्यादा है। यहाँ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, देखिए जंगल ही जंगल का रास्ता है बिल्कुल। ये देखिए इस तरह से पहाड़ों में आपको ना नेचुरल सोर्स मिल जाएंगे। जो प्लेन्स है वहाँ पे हैंडपम्प होते हैं। और यहाँ पे नेचुरल सोर्स पानी है। ये आपको जगह जगह पे जहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हो गए वहाँ पे आराम से पानी देखो छन के ऐसे आता है। तो बस सभी से अनुरोध है जो हमारे यहाँ के हैं पहाड़ के लोग हैं, तो ऐसे गंदा ना करें। कितना गंदा लग रहा है ये देखो, यहाँ पे कितना कचरा डाल रखा है लोगों ने, तो वो बहुत ही गलत बात है। बाकी ये हैं हम लोग अभी कर रहे हैं सफ़र, तो हम अभी स्कूटी में ही हैं। हल्की हल्की बारिश आप देख रहे होंगे यहाँ पे, पूरा पानी पानी देखो, पानी के ऊपर आपको बारिश दिख रही होगी। और देखो वहाँ पे भी नेचुरल सोर्स है, पहाड़ देखो खिसक खिसक के ऐसे नीचे को भी आ रहे, क्योंकि पानी बहने के लिए जगह तो होनी चाहिए ना पहाड़ों में। तो लोगों ने क्या कर दिया है, लैंड स्लाइड क्यों हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं लोगों ने डंगे लगा लगा के पानी को बिल्कुल रोक दिया है। और पानी अंदर अंदर धरती के अंदर जब जाएगा फिर क्या होगा, फिर लैंड स्लाइड होंगे ना। तो इस तरह से खुला होना चाहिए, पानी के लिए जगह होनी चाहिए। इस तरह से बारिश है तो ऐसे नेचुरल झरने जो है वो अपने आप ही बन जाते हैं। ये देखिए तो इसको, इस पानी को रोकना नहीं चाहिए, ये पानी बहते हुए ऐसे आना चाहिए ताकि लैंडस्लाइड ना हो। अगर पानी ये रोक देंगे हम इसको, पानी अंदर एक जगह पे ही जाएगा तो क्या होगा, लैंडस्लाइड्स होंगे। तो ये है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखो नेचुरल बारिश हल्की हल्की हो रही है, ये देखिए बारिश आपको दिख रही होगी हल्की हल्की सी, देखो बूंदे इसमें पड़ रही है। यहाँ पे देखो पानी गड्ढे में भरा हुआ है तो बारिश हो रही है अभी। तो ये हम लोग चले हुए हैं अभी रास्ते में, काम से कहीं गए थे तो मैंने बोला क्यों ना मैं आप लोगों को नेचुरल व्यू दिखाऊं यहाँ पहाड़ का। आगे मेरी वीडियो पे बने रहिए, मैं आपको अच्छा अच्छा व्यू दिखाती हूँ अपने पहाड़ का। देखो कितने भगवान की माया है, कहीं धूप है कहीं छाया है, ये मेरा हर एक उसमें एक डायलॉग आता है। देखो वहाँ पे धूप लगी है और यहाँ पे ना बारिश हो रही है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखो इनकी टी शर्ट में पानी पड़ रहा है और पूरा बारिश हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर नीचे, और वहाँ देखो सामने बिल्कुल धूप पड़ी है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। ये देखिए तो यहाँ पे पहाड़ों में ऐसे ही कहीं कहीं पर बारिश है, देखो इस साइड को बारिश है और उस साइड को धूप है। वो देखो रेनबो, देखो कितना अच्छा लग रहा है, वाओ कैप्चर। ये देखो रेनबो यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो ये हल्का सा रेनबो दिखाई दे रहा होगा आपको बीच बीच में। ये देखिए यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे इस तरह से देखिए, ये तो ऐसे छटा निकलती है, इतनी सुंदर लगती है। ये देखो पूरा रेनबो यहाँ ऊपर से, ये देखो नीचे को रेनबो बोलते हैं इसको, इंद्रधनुष। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही प्यारा। बारिश की बूंदें जब इसके नीचे गिरती है और सूरज की किरणें आती है तो वो एक रेनबो का रूप ले लेती है, वही यहाँ पे हो रहा है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है।